वेलकम टू टॉक विद एसे दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी 4 अक्टूबर के धरना प्रदर्शन की जानकारी, ऑफिशियल परीक्षा एजेंसी का चयन आज, परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, बीपीओ एजीटीआई स्टेनो जूनियर असिस्टेंट बंद होगा, रिजल्ट कंबाइंड टेक रिजल्ट मुख्य सेवका लोअर पीसीएस लेखपाल न्यू वैकेंसी न्यूज और मेडिकल की जो भर्तियाँ आई थी उन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, कल के दिन 4 अक्टूबर को एक धरना प्रदर्शन रखा गया था, इसकी जानकारी मैंने दी थी, काउंटी टैब में पोस्ट डाली थी और टेलीग्राम पे हर जगह जानकारी दी थी आप लोगों को 4 अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से छात्र पूछ रहे थे इसके बारे में, धरना प्रदर्शन की जानकारी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, 4 अक्टूबर का जो धरना प्रदर्शन है ये डिसाइड किया था जब परीक्षा एजेंसी चयन करने का टेंडर जो था वो टेंडर जो है निरस्त कर दिया गया था, परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हुआ था। तो इस वजह से 4 अक्टूबर का बड़ा धरना प्रदर्शन ये निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में फिर से एक नोटिस आ गया था और परीक्षा एजेंसी का चयन के लिए 5 अक्टूबर तक परीक्षा एजेंसी का चयन बोला गया था। इसीलिए ये 4 अक्टूबर का धरना प्रदर्शन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में छात्र पहुँचे थे कुछ भर्तियों के, ठीक है। तो कौन कौन सी भर्तियों के छात्र पहुंचे थे और वहां से क्या जानकारी मिली, ये पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो कल के धरना प्रदर्शन को कुछ न्यूज़ वालों ने कवर भी किया है। लखनऊ में यूपीएससी टेक्निकल भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, दीपावली के बाद रिजल्ट जारी करने का मिला आश्वासन, 8 साल से लगा रहे चक्कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब यूपीएससी का ये धरना प्रदर्शन, और ये कंबाइंड टेक के स्टूडेंट थे यहाँ पर, और ये बड़ी संख्या में छात्र पहुँचे थे जो कि मीडिया ने कवर भी किया है। और यहाँ पे फोटो वगैरह आप देख सकते हैं, और ये देखिए महिला है, इसका बच्चा ये साथ में ली हुई, कैसी दयनीय दशा है कि 8 साल हो गए और अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कंबाइंड टेक मतलब सम्मिलित तकनीकी सहायक की ये भर्ती है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैनर में, आप लोग देख सकते हैं। अन्य न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई है कि पोस्टर बैनर के साथ अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति की मांग, अमृत विचार लखनऊ। ये यूपीएससी टेक्निकल भर्ती के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को लोक सेवा आयोग कार्यालय पिकअप भवन पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना से मिलकर रिजल्ट जारी करने की मांग की है, और इस पर सचिव ने दीपावली के बाद रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया है। दीपावली के बाद मतलब ये जो कंबाइंड टेक का आपका रिजल्ट है ये दीपावली के बाद जारी किया जाएगा, ये बोला गया है सचिव जी की तरफ से। तो अभ्यर्थी नितेश उपाध्याय ने बताया कि पोस्टर बैनर के साथ में करीब 100 की संख्या में अभ्यर्थी प्रदेश के विभिन्न जिलों से लखनऊ पहुँचे, इस दौरान नारेबाजी भी की, धरना दे रहे लोगों ने कहा कि आश्वासन के बाद भी नौकरी अभी तक नहीं मिली है। जिशान सिद्दीकी ने कहा कि जल्द रिजल्ट घोषित कर नौकरी दी जानी चाहिए। सीमा और नैन्सी गुप्ता ने बताया कि यूपीएससी के थ्रू कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती 2016 में आई थी, मार्च 2023 में परीक्षा हुई और मार्च 2024 में रिजल्ट आना था, डॉक्यूमेंटेशन अप्रैल में हुआ लेकिन अभी तक नहीं जारी किया गया और रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो सचिव जी ने जो बोला है वो ये रिजल्ट अब दीपावली के बाद देने को बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो कुछ कंबाइंड टेक वाले बहती पूछ भी रहे थे, तो कंबाइंड टेक का रिजल्ट जो है अब सचिव जी के अनुसार आपका दीपावली के बाद आएगा, ठीक है। तो ये सचिव जी का बयान सुन लिया आप लोगों ने। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य भर्ती की जानकारी मिली, वो है बंदरोगा। बंदरोगा का रिजल्ट जो है वो 10 अक्टूबर के आसपास ये जारी किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिली है आयोग से। छात्रों ने जो गए थे इस भर्ती के जानकारी लेने, तो उनसे 10 अक्टूबर के आसपास ये रिजल्ट देने को बोला गया है। बहुत पहले जब सितंबर स्टार्टिंग में गए थे छात्र, तब उनसे बोला गया था सितंबर लास्ट में ये रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अब छात्र गए हैं तो उनको ये बंदरोगा का जो रिजल्ट है 10 अक्टूबर के आसपास जारी किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो इन्हीं दो भर्तियों के छात्र ज़्यादा संख्या में पहुंचे थे, कंबाइंड टेक के सबसे ज़्यादा थे, तो इन्हीं भर्तियों की जानकारी खासकर प्राप्त हुई है। बाकी आप लोगों को बता दें, ऑफिशियल परीक्षा एजेंसी का चयन आज। आज का मतलब ये है कि देखिए, पहले इसका जो टेंडर निकाला गया था परीक्षा एजेंसी का, तो लगभग सारी जो औपचारिकताएँ होती हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन जो नए नियम है, जो नई गाइडलाइन है परीक्षाएं करवाने को लेके, वो थोड़ी सी सख्त हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रूल्स थे, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन पे सहमत नहीं बनी, तो इस वजह से ये टेंडर पहले ही परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका था लगभग, ठीक है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, और बाद में ये टेंडर निरस्त करना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स थे, ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे पॉइंट्स थे उनमें जो परीक्षा एजेंसी और आयोग के बीच सहमत नहीं बनी। तो दोबारा ये टेंडर
उन गाइडलाइन में संशोधन करके दोबारा ये टेंडर जारी किया गया था, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अनऑफिशियल तरीके से परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, लेकिन बाद में टेंडर निरस्त कर दिया गया था। तो वो टेंडर की प्रक्रिया 2 महीने चली थी, अब ये जो टेंडर जारी किया गया था इसकी जो प्रक्रिया है सिर्फ 7 दिनों में ये निपट जाएगी। तो 2 महीने और 7 दिन, इतना कम अंतर और टेंडर पूरा हो जाएगा। 2 महीने में काम नहीं हो सका तो 7 दिन में कैसे हो पाएगा, यही सोच रहे होंगे आप लोग। तो ये टेंडर इसीलिए जारी किया गया था कि इसमें कुछ जो पॉइंट थे, जो गाइडलाइन जो सहमत नहीं बन रही थी, उनको उनमें सहमत बनाने के लिए ये टेंडर फिर से निकाला गया। और अब पूरी उम्मीद है कि आप आज 5 अक्टूबर को आपका जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल ईबिट्स है, टेंडर खोला जाएगा। तो आज पूरी उम्मीद है ऑफिशियल तरीके से परीक्षा एजेंसी आयोग को मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके हिसाब से पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आज परीक्षा एजेंसी मिल जाएगी ऑफिशियल तरीके से आयोग को, और बहुत ही जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी मैं उम्मीद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग UPSC को जानते ही हैं कि पहले सिर्फ उम्मीद की जा सकती है जब तक UPSC कोई काम कर ना दे, जब तक, क्योंकि UPSC अपनी बात को बोलकर भी पलट जाता है, इसीलिए मैं उम्मीद शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए, सब कुछ सही रहा, तो आज परीक्षा एजेंसी मिल जाएगी और बहुत ही जल्द आप लोगों की परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। तो परीक्षाएँ पूरी उम्मीद है अब नवंबर लास्ट में भी स्टार्ट हो सकती हैं, कुछ भर्तियों की नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तक चर्चा के अनुसार जो पहला एग्ज़ाम है वो BPO का करवाया जा सकता है, आप लोगों का BPO का एग्ज़ाम नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में करवाया जा सकता है। इसके बाद जो ज़्यादा चर्चा है वो है स्टेनो को लेकर, स्टेनो की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो भी कल आ चुकी है, इसकी वीडियो बना के जानकारी दे चुका हूँ। तो स्टेनो का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल भर्तियां आई थी पिट 2022 से मेडिकल की, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई और डेंटल परिवर्तन सिपाही या जो भी जो छोटी मोटी भर्तियां आई थी, तो इनके एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। और बीच में एक और बड़ा एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है जो कि जूनियर असिस्टेंट का होगा, तो ये दिसंबर लास्ट तक लिया जा सकता है। तो ये इतने एग्ज़ाम इस साल करवाया जा सकते हैं, पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो वैकेंसी का विज्ञापन पहले आया है उसका एग्ज़ाम पहले करवा लिया जाए। तो इसलिए आप लोग किसी भी भर्ती के छात्र हैं, अपनी तैयारी अब अच्छे से करते रहिए और जितना जोर लगा सकते हैं, जितना दम लगा सकते हैं, पूरी दम लगा दीजिए। अब तैयारी करने का समय है, क्योंकि अगर आज ऑफिशियल तरीके से परीक्षा एजेंसी मिल जाती है तो लगातार एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और बीच में थोड़ा गैप हो सकता है, वो गैप हो सकता है जो कुंभ मेला स्टार्ट होगा उस वजह से थोड़ा गैप हो सकता है कि 1-2 महीने एग्ज़ाम रुक जाएं, लेकिन लगातार उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे बहुत से छात्र पूछ रहे थे इस भर्ती को लेकर, AGTA की बात करें तो मैंने अभी बताया ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई एग्ज़ाम पहले भी हो सकता है, कोई एग्ज़ाम बाद में भी हो सकता है। तो AGTA का एग्ज़ाम भी आप ये मान के चलिए ये दिसंबर के बाद कभी भी करवाया जा सकता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा जो जैसी भी स्थिति रहेगी, कुंभ मेला की वजह से लेट हो सकता है या पहले भी करवाया जा सकता है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जो भी अपडेट मिलती रहेगी आप लोगों को बताता रहूँगा समय समय पर। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्टेनो की शॉर्ट लिस्टिंग जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चली गई थी, क्या AGTA में भी ऐसा होगा। कुछ लोग भ्रामक वीडियो बना के जानकारी दे रहे हैं और छात्र परेशान हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें AGTA में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 3446 वैकेंसी है। कल जो स्टेनो की कट ऑफ आई थी उसमें सिर्फ 333 ही वैकेंसी थी। तो AGTA की वैकेंसी भी ज़्यादा है और छात्र भी कम है, इसीलिए इसमें जो जिनके पॉजिटिव में नंबर है प्लस एक नंबर भी है तो उन सभी को यहाँ पे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा AGTA में, ठीक है। मैं हर बार ये बात यही बोलता हूँ, जितने वीडियो में भी कट ऑफ बताई है तो इस बार भी बोल रहा हूँ, प्लस एक नंबर अगर आप लोगों का है, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, बस प्लस में होना चाहिए, तो आप लोगों को मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, BPO का एग्ज़ाम नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में हो सकता है, उसके बाद स्टेनो का और कुछ स्पेशल भर्तियाँ जो मेडिकल की हैं जो मैंने अभी नाम बताए आप लोगों को, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल या परिवर्तन सिपाही, इस तरह की जो भर्तियाँ आई थी छोटी मोटी, तो उनके एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दिसंबर के आसपास हो सकता है, दिसंबर के बाद जनवरी में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिसंबर मान के ही अभी तैयारी करें, आगे जो भी अपडेट होगी बताया जाएगा।
इसके अलावा पिट 2023 के एग्जाम भी दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जो वैकेंसी पहले आई है उसका एग्ज़ाम पहले होगा, जो बाद में आई है उसका बाद में होगा। इसीलिए आप लोग अब पूरी दम से तैयारी करते रहिए, पूरा जोर लगा दीजिए, बाकी परीक्षा एजेंसी का चयन आज हो ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट के बारे में बता ही चुका हूँ, बंदरोगा का 10 अक्टूबर के आसपास, कंबाइंड टेक का दीपावली के बाद। मुख्य सेफगार्ड की बात करें तो इसकी न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, मैंने यहाँ पे डाल दी है, देख सकते हैं आप लोग मुख्य सेफगार्ड की, ये टेलीग्राम पे न्यूज़ पड़ी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। तो इसकी जो मुख्य सेफगार्ड की भर्ती की सुनवाई ये 16 तक टाल दी गई है। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग से होने वाली मुख्य सेवकाओं की नियुक्ति का मामला उलझता जा रहा है। करीब 2693 सीट पर 75,000 छात्राएँ अभ्यर्थी हैं, लेकिन इस भर्ती का मामला न्यायालय में स्थगन के तहत इसे लेकर 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इसे 16 अक्टूबर तक को सुना जाएगा। तो 16 को अब आपकी सुनवाई होनी है, उसमें देखिए क्या होता है आगे। लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस के कल जब धरना प्रदर्शन में कुछ छात्रों ने पूछा था लोअर पीसीएस की वैकेंसी के बारे में, तो साफ साफ बोला गया अभी लोअर पीसीएस की वैकेंसी देने का कोई भी इरादा नहीं है, ठीक है। तो ये शायद आपको अगले पेट से ही देखने को मिले, पेट 2023 से लोअर पीसीएस की वैकेंसी बहुत ही मुश्किल है। और लेखपाल की बात करें तो लेखपाल न्यू वैकेंसी का काम जोर शोर से चल रहा है। जितनी भी लेखपाल की रिक्तियां हैं विभाग में, राजस्व विभाग में या जो भी है आपका, तो यहां पे देखिए ये ऑफिशियल लेटर है और ये 3/10/2024 का लेटर है, ठीक है। तो इसमें ब्यौरा मांगा गया है लेखपाल की, जो भी रिक्त पदों का अध्याचन है वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने को लेकर ब्यौरा मांगा गया है। तो जल्द से जल्द ये ब्यौरा आयोग को प्राप्त हो जाएगा और लेखपाल की नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। 7,000 से ज़्यादा ही पदों पे ये भर्ती देखने को मिल सकती है अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से, आगे जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। उब्रवल से भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।